खबर गांव की हो या किसान की, महिला की हो या सफल इंसान की, हर अच्छी खबर दिखाएगा ग्रामीण न्यूज। ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र में हुआ था। सावित्रीबाई फुले और उनके पति ज्योतिराव फुले ने भारत में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। दोनों ने पहली बार 1848 में पुणे में देश का पहला आधुनिक महिला स्कूल खोला था। हालांकि इतना ही नहीं, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले ने जातिवाद, छुआछूत और लैंगिक भेदभाव के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी थी। सावित्रीबाई का जन्म एक अमीर किसान परिवार में हुआ था और 1940 में सिर्फ 9 साल की उम्र में उनकी शादी उनसे 4 साल बड़े ज्योतिराव फुले से करा दी गई थी। सावित्रीबाई और ज्योतिराव की कोई संतान नहीं थी, जिसके चलते उन्होंने यशवंत राव को गोद लिया था। सावित्रीबाई को पढ़ना लिखना उनके पति ज्योतिराव ने ही सिखाया था। वैसे तो हमेशा कहा जाता है कि हर आदमी की सफलता के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, लेकिन सावित्रीबाई की इस कहानी में ये तथ्य थोड़ा उल्टा साबित होता है, क्योंकि यहाँ एक औरत की सफलता के पीछे एक आदमी का हाथ है। सावित्रीबाई फुले के पति ने उनकी सफलता में अपना पूरा सहयोग दिया। आपको बता दें कि सावित्रीबाई ने अपने पति के साथ मिलकर पुणे में महिला स्कूल खोला और उसमें टीचर के रूप में काम करने लगी। खुद शिक्षा प्राप्त करने के बाद सावित्रीबाई ने अपने आसपास की बाकी महिलाओं को भी शिक्षित करने का जिम्मा उठाया और ज्योतिबा के साथ मिलकर 1848 में पुणे में बालिका विद्यालय की स्थापना की। हालांकि शुरुआत में इस विद्यालय में कुल 9 लड़कियों ने दाखिला लिया और सावित्रीबाई फुले स्कूल की प्रधानाध्यापिका बनी, लेकिन इसके बाद रास्ते आसान होते चले गए और उन्होंने भारत में लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा के अधिकार के साथ अन्य मूलभूत अधिकार दिलाने की भी लड़ाई लड़ी। 19वीं सदी में हिंदुओं में बाल विवाह काफी प्रचलित था, लेकिन उस दौर में लोगों के मरने की संख्या ज्यादा थी, जिसके चलते कई लड़कियां बाल विधवा हो जाती थीं और सामाजिक रूढ़ियों और परंपराओं की वजह से विधवा लड़कियों की दोबारा शादी नहीं हो पाती थी, जिसको देखते हुए सावित्री और उसके पति ने मिलकर बाल विवाह के खिलाफ भी सुधार आंदोलन चलाया। ऐसा कहा जाता है कि सावित्री और ज्योति राव ने जिस यशवंत राव को गोद लिया था, वो भी एक ब्राह्मण विधवा के बेटे थे। 1897 में सावित्री बाई ने अपने बेटे यशवंत राव के संग मिलकर प्लेग के मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल भी खोला था। पुणे के इस अस्पताल में यशवंत राव मरीजों का इलाज करते और सावित्री बाई मरीजों की देखभाल करती थी, लेकिन मरीजों की देखभाल करते हुए वो खुद भी इस बीमारी की शिकार हो गई, जिसके चलते 10 मार्च 1897 को देश की इस महान नायिका का निधन हो गया। आज भी जब जब महिलाओं की शिक्षा और महिला अधिकारों की बात की जाती है, तब तब समाज सेवा में अपनी जान गंवाने वाली सावित्रीबाई फुले को जरूर याद किया जाता है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए ग्रामीण न्यूज। नमस्कार। हल्ला शोरगुल वाली खबरों से दूर रहने के लिए सब्सक्राइब करें ग्रामीण न्यूज।